मेरठ के सुमित चौधरी ने नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 मेडल अपने नाम किए। सुमित ने गाजियाबाद में हुई पैरा पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता। बेंगलुरु में हुई नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 107 कैटेगरी में 155 किलो वजन उठाकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। 26 से 28 मार्च तक दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुई 20वीं सीनियर राष्ट्रीय पैरा पावर लिफ्टिंग में सुमित चौधरी ने रजत पदक अपने नाम किया। उन्होंने जो है ये पदक अपने नाम हासिल किया। ये उनका राष्ट्रीय पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में लगातार 3रा पदक है। सुमित मेरठ के केंद्रीय विद्यालय पंजाब लाइंस में टीचर है। वो पिछले 12 साल से लगातार पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भाग ले रहे हैं। सुमित चौधरी से हमारे संवाददाता मनोज कुमार ने खास बातचीत की, आइए आपको सुनवाते हैं। इनके जज्बात को मैं सलूट करता हूँ। सर, अनादि चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरा मैं चाहूंगा सर, आपने 3 मेडल अपने नाम किए हैं, नेशनल आप खेल चुके हो, इंटरनेशनल में भी आप खेले हुए हैं, आपकी तैयारी अब जो है इंटरनेशनल में गोल्ड लेने की है। अगर मैं बात करूँ तैयारी की, सर आपने किस प्रकार तैयारियाँ की हैं? सर, तैयारी तो मेरी पिछले 12 साल से चल रही है। पहला पावर लिफ्टिंग मैंने 2011-12 में स्टार्ट की थी और लगभग 12 साल हो गए मुझे। और 12 सालों में मैंने 5 बार तो मैंने नेशनल में पार्टिसिपेट किया, 5 में से 3 बार मैंने मेडल आया है और 1 बार मैं इंटरनेशनल भी खेल चुका हूँ दुबई में दिसंबर 2022 में। सर, आप एक टीचर भी हैं, बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है टीचिंग करना और साथ साथ में पावर वेट लिफ्टिंग भी करना, इसको आप मैं कैसे मैनेज कर पाते हैं? हाँ सर, डिफिकल्ट तो काफ़ी होता है कि दिन में हमें लगभग 7-7.5 के आसपास हमें स्कूल में रिपोर्ट करना होता है और फिर हमारी लगभग 7 घंटे की ड्यूटी होती है और 7 घंटे में लगभग हमें मतलब बच्चों को पढ़ाना है और उनको मतलब पूरा उनको एक तरह से उनको देखना होता है, तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। लेकिन थोड़ा प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ, लाइक शेड्यूल बनाया हुआ है अपना, कितने घंटे स्कूल में काम करना है, फिर उसके बाद लगभग कितने घंटे रेस्ट करना है, रेस्ट करने के बाद फिर वर्कआउट करना है और वर्कआउट करने के बाद फिर अपना रेस्ट करना होता है। थैंक यू वेरी मच।